हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यूट्यूब के ऊपर ऐसी मल्टीपल वीडियोस देखते हैं जहां पे लिखा हुआ होता है कि बस एक क्लिक करें और आप $4 कमा लें, एक लाइन लिखें और आप लोग $15 कमा लें। मेरे भाइयों, ऑनलाइन अर्निंग में ऐसा वैसा कुछ भी सिलसिला नहीं है। ये तमाम चीज़ें व्यूज़ लेने के लिए बोली जाती हैं और बहुत से लोग ऑनलाइन अर्निंग को एक ईजी मनी समझते हैं कि बहुत आसानी से कमाया जाता है। पैसा कमाना यार आसान नहीं है, ये आपसे टाइम मांगता है और आपसे मेहनत मांगता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा जो कि कुछ आसान भी होंगे, मगर जो प्लेटफॉर्म जितने ज़्यादा आसान होंगे वहाँ पे जो अर्निंग होती है, जो इनकम होती है, वो उतनी ही नॉर्मल सी होती है। मगर कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे बताऊँगा जो कि थोड़े टफ होंगे, 8 से 10 घंटे वहाँ पर काम करना होगा, तो आप लोग वहाँ से कुछ बेहतर अमाउंट कमा सकते हैं, अपने घर का खर्चा बहुत अच्छे से चला सकते हैं। हमारे पास में जो सबसे पहला प्लेटफॉर्म है ये है क्रिप्टो टैब। इसे आप लोग कह सकते हैं कि ये एक इजी मनी का जरिया है। मतलब ये कि यहाँ पे आपको कोई मेहनत वगैरह नहीं करनी है। करना क्या है, क्रोम ब्राउज़र की तरह आप लोगों को क्रिप्टो टैब को अपने पास में इंस्टॉल कर लेना है। ये आप लोगों के लिए बैक एंड पे BTC की माइनिंग करता रहा। अभी तक मैंने यहाँ से टोटल जो है $23 का BTC बनाया है, $10 विदड्रॉ किया है और $13 यहाँ पर अभी रहता है। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन लिंक है आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। यहाँ पे आपको सिटी ब्राउज़र, सिटी फॉर्म, सिटी पूल, ये तीन ऑप्शन मिलेंगे। आपने जस्ट सिटी ब्राउज़र पे रहना है, अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद में अपनी माइनिंग स्टार्ट कर देनी है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है, आप चाहते हो कि इसका एक डेडिकेटेड वीडियो होना चाहिए, तो आप मुझे कॉमेंट में मैसेज करोगे तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। आज की इस वीडियो का हमारा जो सेकेंड प्लेटफॉर्म है ये है repocket.co। आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में UK बेस्ड, USA बेस्ड कॉल सेंटर्स खोले जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे फ़ोन कॉलिंग सस्ती होती है, इंटरनेट सस्ता होता है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ऐसी वेबसाइट्स बनी हैं जो कि आपसे इंटरनेट को ख़रीदती हैं। कैसे, यहाँ पर आपको क्या बताते हैं कि अगर आप सिर्फ अपने पास में 5 डिवाइसेस अरेंज करते हैं, मतलब कि 5 मोबाइल फ़ोन्स होने चाहिए और हर मोबाइल फ़ोन से आप 10 GB जो डाटा है एक माह का आगे बेचते हैं, और 10 GB डाटा का जो पैकेज है मेरे ख्याल से कोई 1100-1200 रुपए का पाकिस्तानी रुपीज़ के मुताबिक हमें मिल जाता है। 5 डिवाइसेस का बना तकरीबन 5500 रुपया। और अगर आप लोग 5 डिवाइसेस के ज़रिए तकरीबन 50 GB डाटा सेल करते हैं तो उसके रिवॉर्ड में हमें यहाँ पे मिलता है $300 पर मंथ। और ये कोई ख्याली पलाव नहीं है, हवा में कोई तीर नहीं है, ये एक रियल अर्निंग है। अगर आप इसे करके देखते हो, अपने पास में 5 से 10 मोबाइल्स के साथ में एक मुकम्मल सेटअप बनाते हो, तो आप लोग यहाँ से कमा सकते हो। और यहाँ पर काम कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीका है। आप लोगों को अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, इनके एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होता है और ऑटोमेटिकली ये आप लोगों का जो इंटरनेट है अगर यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ये कि आपका इंटरनेट सेल होने लग जाता है। तो इस वेबसाइट का नेम है repocket.co। आप लोग यहाँ पे भी आकर काम करके एक बेहतर अर्निंग कर सकते हैं। हमारा जो तीसरा प्लेटफॉर्म है ये है बनाना बक्स। अगर आप लोग जानते हों कि जितनी भी वेबसाइट्स जिनके ऊपर हम काम करते हैं वो एकदम से मार्केट में नहीं आ जाती हैं, जैसा कि मैंने आपके साथ में पहले क्रिप्टो टैब की बात की, फिर आपके साथ में repocket.co की बात की, इन दोनों वेबसाइट्स को मार्केट में लाने से पहले मुख्तलिफ टेस्ट से गुजारा गया था। अब उन टेस्ट के लिए कुछ ऐसी वेबसाइट्स बनती हैं जो कि सर्वेस करते हैं। मतलब ये कि वहाँ पे आपके मेरे जैसे लोग होते हैं, वो उन वेबसाइट्स को देखते हैं और बताते हैं कि मुझे क्या चीज़ अच्छी लगी है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी है। यहाँ पर आपका एजुकेटेड होना ज़रूरी नहीं है, आपका बहुत अकलमंद होना ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ आपको समझ में आएगी, जो चीज़ अच्छी लगेगी, जो चीज़ बुरी लगेगी, आप लोगों ने इन्हें वो बताना होता है। और हर सर्वे के बदले ये आप लोगों को अप्रॉक्स 20 सेंट पे करते हैं। कुछ सर्वे 5 मिनट के भी होते हैं, कुछ सर्वे 1 मिनट के भी होते हैं। और यहाँ से आपका जो पे आउट है वो होता है PayPal में। पाकिस्तान में PayPal अभी नहीं है, तो आप लोग बाहर अपने किसी फ्रेंड से रिक्वेस्ट करके PayPal अकाउंट ले सकते हैं और यहाँ पर आकर अपना अकाउंट अटैच कर सकते हैं। इसी किस्म का एक और प्लेटफॉर्म है, यह है सर्वे मैजिक। अब सेम प्लेटफॉर्म आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ ये भी बताता हूँ। सर्वे मैजिक भी आपको सेम वैसी ही सर्विस देता है, मगर यहाँ पे जो पे आउट का तरीका है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आप लोग PayPal में भी ले सकते हैं और क्रिप्टो में भी ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपको ईच सर्वे का जो है 20 सेंट मिलता है, मतलब कि 5 सर्वे का आपको यहाँ पर $1 मिलता है। अब ये प्लेटफॉर्म्स उन लोगों के लिए हैं जो कहते हैं यार मुझे तो कुछ भी करना नहीं आता है, मैं तो सिर्फ इंटरनेट के ऊपर आकर ब्राउजिंग कर सकता हूँ, इसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं आता है। तो ये प्लेटफॉर्म्स उन लोगों की हेल्प आउट कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास में जो प्लेटफॉर्म है ये है यूज़र क्राउड।
यूज़र अकाउंट का भी तरीका बिल्कुल सिंपल है, अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना होगा, फिर यहाँ पे आपको जो प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे आपको आकर उन्हें चेक करना होगा, और फिर फाइनली आप लोग यहाँ से आकर अपना पे आउट ले सकते हैं। सेम प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए service.gobranded.com, यहाँ पे भी आकर सेम काम होता है, मगर यहाँ पे जो पे आउट है वो और भी आसान है। आप बैंक में भी ले सकते हैं, पेपॉल में भी ले सकते हैं, वीज़ा के ज़रिए भी हासिल कर सकते हैं। अब ये जो तीन चार प्लेटफॉर्म मैंने आप लोगों को सेम बताए हैं, इसका मकसद ये है कि कभी कभार हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों को काम अवेलेबल नहीं होता है। जब काम अवेलेबल नहीं होता है, आपको नहीं मिलता है, तो जब आपके पास में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होंगे तो किसी भी प्लेटफॉर्म से किसी भी वक्त आकर काम हासिल कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की तरफ। जैसे हमारे पास में एक प्लेटफॉर्म है fanshoot.io, ये प्लेटफॉर्म जो है बेसिकली फेसबुक का एक ऑल्टरनेटिव है। फेसबुक का आप लोग जानते हैं कि वो यार एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, कुछ कंट्रीज में उसका मोनेटाइजेशन है, कुछ में नहीं है, और वहाँ पे जो पे आउट है वो एक माह के बाद होती है। अगर कोई वीडियो पसंद नहीं आती है तो उसे वो डिलीट कर देते हैं। मगर ये जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स आई हैं, यहाँ पे आप जब अपना वीडियो अपलोड करते हो वो डिलीट नहीं होता है, और आपको उसके रिवॉर्ड में हुड टोकन मिलता है। अभी ये देख रहे हैं, हुड टोकन ये रिवॉर्ड में मिलता है, और उसे आप लोग बहुत ईजीली यहाँ से आकर विड्रॉ भी कर सकते हैं, और आपका जो हुड टोकन है वो इथेरिया में भी कन्वर्ट हो जाता है, BNB में भी कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको इस प्लेटफॉर्म को मुकम्मल तरीके से समझना है कि यहाँ पे वीडियो कैसे अपलोड होगा, हम यहाँ से पे आउट कैसे लेंगे, अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, तमाम चीज़ें, उसके लिए मैं अपने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, 13 मिनट की ये वीडियो है। यहाँ पे मैंने मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी है कि आप लोगों ने fanshoot के ऊपर आकर कैसे काम करना है। इसी तरह का एक और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, यह है glive.xyz। glive जो प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली जॉय स्ट्रीम वालों का प्रोजेक्ट है। glive.xyz के ऊपर आप अपना YouTube चैनल कनेक्ट करते हैं तो आपको जॉयस्ट्रीम टोकन जो यहाँ पे हासिल होते हैं, आप यहाँ पे अगर रेफरल करते हैं तब भी आपको यहाँ पे जॉयस्ट्रीम टोकन मिलते हैं। आप अपना कोई भी वीडियो अपलोड तो करेंगे YouTube के ऊपर, मगर जैसे ही वो इनका प्लेटफॉर्म पे सिंक होगा, पर वीडियो आपको यहाँ पे $3 मिलते हैं। तो आप यहाँ पे नया चैनल बना के भी कनेक्ट कर सकते हैं, पुराने चैनल के साथ भी आ सकते हैं, और इसके ऊपर भी मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया है कि यहाँ पे काम कैसे करना है। उसके लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, ये 14 मिनट्स एंड 23 सेकंड्स का है, glive.xyz कंप्लीट रिव्यू के नेम से। उसके बाद में जो चीज़ आप लोगों को दिखाने लगा हूँ ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इसे बहुत गौर से समझिएगा। ये है gab.com। gab.com बुनियादी तौर पर फेसबुक की तरह से ही काम करती है। इनका मोनिटाइजेशन है, मगर मोनिटाइजेशन फेसबुक की तरह ही है, मतलब कि उनके खास क्राइटेरिया है, उसके बाद में आपकी यहाँ से अर्निंग होती है। मगर जिस चीज़ के लिए आपको बता रहा हूँ उसे सुने, आप यहाँ पे अपना कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं, कोई भी पोस्ट डालते हैं, तो ये आप लोगों की वीडियो को पुश करते हैं। मतलब ये कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे व्यूज़ मिलते हैं, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी ट्रैफिक मिलती है। अब ट्रैफिक मिलने का मतलब ये है कि आपकी वीडियो ज़्यादा लोगों तक जाती है। अब आपने करना क्या है, अगर आप Digistore24 पे हैं, या फिर आप लोग पार्टनर्स टैग पे हैं, या किसी भी एफिलिएट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे हैं, आपने वहाँ से अपना रेफरल लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में gab.com के ऊपर आकर आपने उसे प्रमोट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करना है। हमारी पोस्ट पे ज़्यादा ट्रैफिक आएगी, इसका मतलब ये है कि हम 1 से 2 सेल जो हैं पर मंथ या पर वीक हासिल कर सकते हैं, मगर यार कोई वादा नहीं है, डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कितनी मेहनत करते हैं। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि ये Digistore क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, इसके ऊपर भी एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, 11 मिनट और 15 सेकंड का ये वीडियो है, जहाँ पे मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से, Digistore के हवाले से बहुत ही डिटेल में बात की है। तो आप लोगों ने मेरा ये वीडियो देख लेना है, और फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों Digistore का यूज़ करते हुए gab.com के ऊपर आकर अपना रेफरल लिंक को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कैसे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लेनी है। आगे मूव करते हैं। TikTok तकरीबन बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं भाई, मगर TikTok के ऊपर आप लोगों की वीडियोस देखकर उन्हें पैसा कमाने का मौका देते हैं, खुद पैसा नहीं कमाते हैं। TikTok के ऊपर मोनेटाइजेशन ऑन हो चुकी है, मगर थोड़ी सी बैड लक क्या है, ये मोनेटाइजेशन फ्रांस, ब्राज़ील और USA में है। आप लोगों ने कोई भी VPN का एक्सटेंशन कर लेना है, जब भी वीडियो अपलोड करनी है आपने उस एक्सटेंशन को ऑन करके रखना है। जैसे ही आप इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतरेंगे, आप लोगों को जो मोनेटाइजेशन है वो अप्लाई हो जाएगा, और आप लोग TikTok से भी आकर कमा सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों की वीडियोस यहाँ मुफ्त में देख रहे हैं, आप लोग यार अपना काम करें और खुद से यहाँ पे आकर कमाएं।
टिकटॉक की मोनेटाइजेशन के लिए भी डिटेल वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, वहां से देखकर मजीद हेल्प ले सकती हैं। आगे मूव करते हैं। लूटॉप जो वेबसाइट है बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कहते हैं यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, मैं तो बस इंटरनेट के ऊपर आकर बस हल्की फुल्की उंगलियाँ मार सकता हूँ या थोड़ी सी ब्राउजिंग कर सकता हूँ, इसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं आता है। उन लोगों के लिए भी यार बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। वैसे तो मैं इस प्लेटफॉर्म को शेयर करने के हक में नहीं था, बिल्कुल ही सस्ता सा है, बिल्कुल ही आसान सा है, मगर फिर भी बता देता हूँ। लूटॉप वेबसाइट कहती है कि भाई हम आपको कुछ सर्विस देंगे, कुछ ऑफर्स देंगे, उसे आपको कंप्लीट करना होगा, हम आपको कुछ गेम्स देंगे, आपको उन गेम्स को यहाँ पे आकर खेलना होगा और फिर आपको यहाँ पे हम पे आउट करेंगे। तरीका क्या है? अकाउंट क्रिएट करना होगा, जैसे कि पहले मैंने बताया, शेयर योर ओपिनियन, प्ले गेम्स, कंप्लीट ऑफर्स, वॉच वीडियोस वगैरह वगैरह। इन तमाम टास्क के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे भाई कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और उन पॉइंट्स को आप लोग क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके आप लोग बिटपे के ऊपर या पेपॉल के ऊपर उसका बहुत आसानी से विड्रॉ ले सकते हैं। तो लूटॉप एक बहुत ही आसान प्लेटफॉर्म है जहाँ भी मेरे ख्याल से कोई भी बंदा अगर काम कर सकता है। इसी किस्म का एक प्लेटफॉर्म है CashStars.com, बड़ा ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, मगर थोड़ा सी बैड लक क्या है, यहाँ पे काम आसानी से नहीं मिलता है। काम आसानी से क्यों नहीं मिलता है? आपको इनकी वेट लिस्ट में पहले ऐड होना होता है, मतलब ये अपना नेम देते हैं, ईमेल एड्रेस देते हैं, ज्वाइन वेट लिस्ट पर क्लिक करते हैं, फिर जब यहाँ पर टास्क अवेलेबल हो जाते हैं ये आप लोगों को अपनी लिस्ट में ऐड कर लेते हैं और फिर आप लोग कंटिन्यू इन लोगों के साथ में काम करते हैं और इनका जो अर्निंग है वो भी अच्छा है। अब यहाँ पर काम क्या करना है वो देखें ज़रा। आप लोगों को BTC माइनिंग की कुछ वेबसाइट्स मिलती हैं, वहाँ भी आगे माइनिंग करनी होती है, कुछ वीडियोस देखनी होती हैं, कुछ रेफर्स करनी होती हैं, गूगल को ब्राउज करना होता है, कुछ रीट्वीट्स करनी होती हैं, प्ले गेम्स, राइट पोस्ट वगैरह वगैरह। कहने का मतलब ये कि लोग अपनी प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करवाते हैं, एडवर्टीजमेंट करवाते हैं। अब एडवर्टीजमेंट के लिए उन्हें हम जैसे लोगों के पास आना पड़ता है, मतलब कोई भी बंदा जो कोई पोस्ट देखेगा वहाँ पर ऐड आएगा। तो कहने का मतलब ये कि ये लोग कहते हैं कि भाई आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, यहाँ पे आकर हमारी मदद करें, हम अपनी इनकम में से आप लोगों को भी शेयर करेंगे। तो इस वेबसाइट का नेम है यार CashStars, इसके ऊपर भी आप लोग आकर काम करके हल्की फुल्की अर्निंग बहुत आराम से कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ, ये है Rewardee.io, इनका भी सेम काम है। आपको यहाँ पे आकर कुछ वीडियोज़ का देखना है, म्यूज़िक मिलता है उसे सुनना होता है, कुछ क्लिप्स होते हैं उसे देखना होता है, कुछ क्विज़ आते हैं उसे पास करना होता है। मुख्तलिफ टास्क करते हुए ये आप लोगों को अर्निंग करने का मौका देते हैं। अगर हम इसके विड्रॉ पे क्लिक करते हैं तो आप लोग लाइटकॉइन, बिटकॉइन, इथेरियम, किसी भी क्रिप्टो में बहुत आसानी से पे आउट ले सकते हो। यहाँ पे काम मुश्किल नहीं है, आसान है, मगर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग यहाँ से बहुत कमाओगे, बहुत नहीं कमाओगे, जितनी यहाँ पर मेहनत करोगे उतना ही कमाओगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। आप लोगों ने P2E का बहुत सुना होगा, मतलब कि प्ले टू अर्न गेम्स होती हैं। उन गेम्स में मुझे जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला वो है टॉय टोन मेक मनी। अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो 5 लाख प्लस इनके डाउनलोड्स हैं, 6.62K इसके यहाँ पे रिव्यूज़ मिल रहे हैं। अगर आप लोग P2E गेम्स को खेलना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों के पास में टॉय टोन मेक मनी एक बेस्ट एप्लीकेशन है, एक बेस्ट गेम है, जहाँ पे आकर हम गेम खेलेंगे, मगर अब की बार हम मुफ्त में गेम नहीं खेलेंगे, यहाँ पे गेम खेलने पे हमें पैसा मिल सकता है। सेम इसी किस्म का एक और प्लेटफॉर्म है, ये है टैलीअप। टैलीअप का जो एप्लीकेशन है वो भी आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर से मिल जाता है। इसके भी 5 लाख प्लस डाउनलोड्स हैं, 7.79K रिव्यूज़ हैं इसके। अगर आप लोग यहाँ पर आते हो तो मुख्तलिफ लोगों की यहाँ पर आपको ये इनकम दिखा रहा है। P2E गेम्स में ये दोनों प्लेटफॉर्म बहुत ही बेहतरीन हैं। इस गेम को खेलने पर आपको इनका नेटिव टोकन मिलता है जो कि है टैलीअप। आप यहां पे मुख्तलिफ लोगों की जो अर्निंग है देख सकते हैं और ये जो टैलीअप टोकन्स हैं बहुत आसानी से कैश आउट भी हो जाते हैं। जैसे कि यहां पे इन्होंने बताया टैलीअप टोकन्स आर बैक्ड बाय रियल रेवेन्यू। ये जो गेम है आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाता है। इसी किस्म का एक लास्ट प्लेटफॉर्म है मेरे पास में, यह है क्वांटीप्लाई। क्वांटीप्लाई प्लेटफॉर्म जो है बुनियादी तौर पर उन्हीं लोगों के लिए है जो कहते हैं कि यार हमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं आता है। यहाँ पे ये कहते हैं कि भी हम अब तक 12 मिलियन US डॉलर वर्थ का जो बिटकॉइन है मार्केट में बांट चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को करना क्या है, बहुत गौर से बात को समझिएगा। अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, आपको यहाँ पे कुछ गेम्स मिलते हैं, आप उन्हें खेलते हैं और आपको कॉइन्स मिलते हैं। आपको यहाँ पे कुछ टास्क मिलते हैं जिनमें सर्विस भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ ऑफर्स भी हो सकती हैं। आप लोगों को यहाँ पे कुछ वीडियोज़ को देखना होता है और उसके बाद में आप लोगों को ये क्रिप्टो देते हैं जिसे आप लोग अपने वॉलेट में विड्रॉ कर सकते हैं। इस वेबसाइट का नेम है क्वांटीप्लाई। तो ये भी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं मगर हल्का फुल्का काम करके हम अर्निंग करना चाहते हैं।
अभी हम मूव करते हैं एक और वेबसाइट की तरफ जिसका नेम है प्रीमिस। यहाँ पे जो काम है वो आसान नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मगर जो अर्निंग है वो भी उसी हिसाब से है। अगर आप किसी एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम करते हो, आपके पास में कोई स्किल है, आप किसी भी फील्ड में कंसल्टेंट हैं, तो ये वेबसाइट आप लोगों के लिए है। इसमें आपको बोलते हैं कि अर्न मनी, मेक एन इम्पैक्ट, शेयर योर नॉलेज एंड इनसाइट्स टू हेल्प बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज मेक बेटर डिसीजन। अगर आपके पास में कोई स्किल है, आप कंसल्टेंसी करते हैं, आप किसी भी बिजनेस के हवाले से मशवरा दे सकते हैं, तो यहाँ पे आकर आप एक मोटी रकम कमा सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आकर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, टास्क को यहाँ पे एक्सप्लोर करना होगा कि आपकी फील्ड से रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा टास्क है, और फिर आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट होती है। पेमेंट आप लोगों को पेपॉल के ज़रिए हो सकती है, पायनियर के ज़रिए हो सकती है, या बिटकॉइन में हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप किस मेथड के ज़रिए आना चाहते हैं। हमारी जो नेक्स्ट वेबसाइट है ये है rewardful.com। ये वेबसाइट एफिलिएट मार्केटिंग का काम करती है और गारंटी के साथ ये लोगों को बिजनेस देती है। डिजिस्टोर 24 की तरह काम करती है, मगर इनका जो परसेंटेज है, हम लोगों के लिए जो परसेंटेज है वो थोड़ा बेहतर है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है प्राइसिंग का, जो कि बेसिकली आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो कि यहाँ पे आकर अपने बिजनेस को प्रमोट करवाते हैं। ये कहते हैं कि हम आपसे $49 चार्ज करेंगे और आपको $7500 वर्थ का बिजनेस देंगे। इन लोगों ने अपनी ही कुछ टीम्स बनाई हुई हैं जो कि इनके रेफरल लिंक को, इनकी प्रोडक्ट को आगे प्रमोट करते हैं। तो आप लोग स्टार्ट योर एफिलिएट प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी प्रोडक्ट्स मिलती हैं उनका रेफरल लिंक आप लोगों ने आगे शेयर करते रहना। जैसे कि मैंने आप लोगों को gap.com की वेबसाइट बताई कि आप लोग इस वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छा ट्रैफिक मिलता है। फिर हमारे पास में जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है यह है PartnerStack। PartnerStack जो है बेसिकली एक एनालिटिक्स के तौर पे काम करता था, मतलब ये कि आपके एफिलिएट लिंक के ऊपर कितने क्लिक्स हुए हैं, कितना बिजनेस आया है, ये उस पर काम करता था। मगर अब ये लोग भी एफिलिएट मार्केटिंग के तौर पर ही काम करते हैं, मतलब ये कि आप लोग यहाँ पर आकर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक जो है वो जनरेट करते हैं, और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर आप अपने लिंक को शेयर करते हैं और इधर से भी एक अच्छी खासी इनकम बना सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता कि यार ये एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, मेरा एक ये वीडियो है जिसमें मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर बात की हुई है। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने रेफरल से किसी की चीज़ को बिकवा देते हैं और फिर उन सर्विसेज के अगेंस्ट आप लोग यहां से अपना पैसा चार्ज करते हैं। तो PartnerStack वेबसाइट को आप लोगों ने नहीं बोलना है, Rewardful वेबसाइट को आप लोगों ने नहीं बोलना है। नेक्स्ट जो वेबसाइट है हमारे पास में ये है Macadam वेबसाइट। वैसे तो लोग इस वेबसाइट को चलने वाली वेबसाइट कहते हैं, मतलब ये कि चलकर पैसा कमाएं, मगर आप लोगों को इसका असल मकसद समझना होगा। ये वेबसाइट तमाम दुनिया से डाटा को इकट्ठा करती है। जैसे कि आप लोगों के पास में गूगल मैप है, आप एक सेक्टर से निकल कर किसी दूसरे सेक्टर में जाते हैं, किसी दूसरे सिटी में जाते हैं, किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको सजेशंस आने लग जाती हैं, वहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती हैं कि आप अपनी जगह को कैसा पाया वगैरह वगैरह। तो Macadam जो वेबसाइट है ये आप लोगों के मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल हो जाती है, आप जहाँ जहाँ पर भी जाते हैं ये वहाँ का डाटा अपने पास में इकट्ठी करती रहती है, आप जिन शॉप्स पर जाते हैं ये वहाँ की लोकेशंस अपने पास में सेव करती रहती है, और गूगल मैप्स को और इस किस्म के दूसरे प्लेटफॉर्म्स को स्ट्रांग होने में हेल्प आउट करती है। तो इस वेबसाइट के ऊपर भी अगर आप लोग काम करते हैं तो यहाँ से भी एक अच्छी इनकम होती है, और यह वेबसाइट भी बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है जो कहते हैं कि यार मुझसे तो कुछ खास नहीं हो सकता है, मैं तो बस हल्का पुल्का काम करके ही यहाँ से कमा सकता हूँ। तो आप लोगों को जस्ट इस वेबसाइट को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करना है, लोकेशन को ऑन रखना है, तो आप लोग यहाँ से भी क्रिप्टो अर्न कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ जो कि है वॉलेटिक के नेम से। एक बहुत ही आसान काम है, मगर जो पे आउट है वो कोई ज़्यादा नहीं है, जस्ट 20 सेंट। आपको यहाँ पे ईमेल्स को रीड करना होता है। आपको कि ईमेल को रीड करने पे कोई क्यों पैसा देता है, उन ईमेल्स के ऊपर एड्स आते हैं, वो उन एड से पैसा कमाते हैं, ईमेल्स के ज़रिए वो एड्स ओपन हो जाते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर ईमेल 20 सेंट मिलता है। और इससे पहले आपको जितनी भी वेबसाइट्स बताई हैं इन तमाम वेबसाइट्स के ऊपर आप लोगों ने अपना वो ईमेल एड्रेस लगाना है कि जो ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं है, क्योंकि स्कैम का ख़तरा किसी भी जगह से हो सकता है, आप लोगों ने खुद की हिफाजत खुद करनी है। तो वॉलेटिक जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा तो पे नहीं करती है,
मगर यह कि जो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं उन लोगों के लिए ये अच्छा पे कर देती है। 6 लेवल्स तक का यहाँ पे आपको रेफरल कमीशन मिलता है। फर्स्ट लेवल पे 100% मिलता है, 6 लेवल पे आपको 50% मिलता है। सिंपल रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, आप लोग यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और बाकी मालूमात आप लोगों को आगे मिल जाती हैं। अब जो चीज़ आप लोगों को बताने लगा हूँ इसे बहुत गौर से सुनिए और समझिएगा। एटसी जो है एक मार्केट प्लेस है। कैटेगरीज में मैं आता हूँ, यहाँ पे आपको मिलता है पेपर एंड पार्टी सप्लाइज। इस पर आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ स्टिकर्स मिलते हैं। $2.25 में स्टिकर्स जो हैं सेल हो रहे हैं, ये 93 सेंट में हो रहे हैं, ये $5 में हो रहे हैं, यहाँ पे ये स्टिकर्स $9 में सेल हो रहे हैं। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, वैसे तो मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर, इस मुकम्मल सिलसिले के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आऊँगा, मगर अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। Kittle.com एक ऐसी वेबसाइट है कि जहाँ पे आकर आप लोग स्टिकर्स की डिज़ाइनिंग करते हैं। स्टिकर्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं, जैसे कि आप लोगों को कैनवा के ऊपर पिक्चर्स बनी हुई मिलती हैं। आपको यहाँ पे आकर अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी क्रिएटिविटी के मुताबिक थोड़ी सी तब्दीली करनी होती है। उन स्टिकर्स को आप लोग एक कलर प्रिंटर के ज़रिए स्टिकर पेपर के ऊपर प्रिंट आउट ले लेते हैं और आप लोग उन्हें Etsy का जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आकर सेल कर सकते हैं। हो सकता है आपको कि यार ये तो मज़ा नहीं आया, इसने क्या चीज़ बता दी है। मेरे भाइयों एक चीज़ शुरू में ही बोली थी, ऑनलाइन अर्निंग सिर्फ इतनी आसान है कि आप लोग घर पे रहते हुए काम करते हो, मगर यहाँ पे काम करना है, जहन लगाना है और आप लोग यहाँ से कमा सकते हो, ये बात गारंटीड है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये 15 से 20 स्टिकर्स इसने खुद से बनाए हुए हैं और $9 के ये सेल कर रहा है और अब तक 440 ऑर्डर्स यहाँ पर ले चुका है। तो Kittle.com के ऊपर आकर आप बेशुमार चीज़ें बना सकते हैं। मैं आप लोगों को इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो दूंगा, परेशानी नहीं लेनी है। ये जो प्लेटफॉर्म मैंने बताया है ये मेरी इस वीडियो का बेस्ट पार्ट है। आगे मूव करते हैं। अब जो आप लोगों को बात बताने लगा हूँ इसे बहुत गौर से सुनिएगा। Pinterest को आप तमाम लोग ही जानते होंगे। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर डेली के 1.2 बिलियन विजिट्स होते हैं। अब आप लोगों के पास में कैनवा एक प्लेटफॉर्म है। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे आकर आप YouTube के थंबनेल्स वगैरह बनाते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं और उन्हें आप लोग फाइबर के ऊपर जॉब्स हासिल करके सेल कर सकते हैं। आई नो फाइबर के ऊपर ऑर्डर मिलना बहुत आसान नहीं है, मगर ये कि शुरुआत तो यार कहीं ना कहीं से होती है। ये तमाम जो आप लोगों को थंबनेल नज़र आ रहे हैं आप लोग कैनवा से बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस बंदे को 1000+ ऑर्डर्स मिल चुके हैं और ये आपको ₹5,894 में अपनी सर्विस दे रहा है। ये बंदा ₹1400 में दे रहा है, ये बंदा 4400 में दे रहा है। तो आप लोग कैनवा का इस्तेमाल करते हुए फाइबर के ऊपर आकर भी अपनी सर्विसेज के बदले पैसा कमा सकते हैं। दूसरी बात सुनिएगा, हम आते हैं वापस कैनवा पे और यहाँ पे आकर लिखते हैं Pinterest, इधर आकर क्लिक करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे इसकी बेशुमार पिंस मिल जाती हैं। मतलब ये कि वो फ़ोटोज़ जो कि आप लोग Pinterest के ऊपर आकर अपलोड करते हैं। अब जैसे मैंने आप लोगों के साथ में कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म शेयर किए जो कि एफिलिएट मार्केटिंग के हैं, जिसमें रिवॉर्डफुल है, आपके पास में पार्टनर स्टैक है, फिर आप लोगों के साथ में मैंने डिजी स्टोर 24 शेयर किया है। आप लोग इनकी जो डिस्क्रिप्शन होगा, यहाँ पे जो आप लोग प्रोडक्ट देखेंगे, इसका जो ये लेबल होगा, हम उन तमाम चीज़ों को आप लोग कैनवा से आकर तैयार करते हैं। और जो Pinterest प्लेटफॉर्म है जिसके लिए मैंने आप लोगों को बोला यहाँ पे 1.2 बिलियन टोटल विजिट्स होते हैं, आप लोग यहाँ पे भी आकर अपनी पोस्ट को शेयर कर सकते हैं। मेरे भाइयों एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे दुनिया इस वक्त सबसे ज़्यादा पैसा कमा रही है और इसकी जो पोस्ट हैं Pinterest की जो पोस्ट हैं आप लोग कैनवा से बहुत आसानी से बना सकती हैं। तमाम चीज़ें बनी बनाई होती हैं, आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर जो कलर है वो करते हैं, टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर लिख सकते हैं, तमाम चीज़ें आप लोगों के कंट्रोल में हैं। अब आप लोगों के साथ में एक आखिरी चीज़ शेयर करने लगा हूँ। आप लोग Amazon.com को जानते होंगे बहुत आसानी से। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आप लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, आप लोग इसके जो रेफरल लिंक है इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एक और चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि Amazon के ऊपर मैं अपना ये एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ से आपको इसका मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अपना रेफरल लिंक हम यहाँ से कॉपी कर चुके हैं, आपको टाइटल को कॉपी करना है जो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिलता है, आप उसे कॉपी करते हैं। टाइटल को आप लोग गूगल में जाकर पेस्ट करते हैं, आपको इस प्रोडक्ट का या किसी भी प्रोडक्ट का जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं उसके आपको जो पोस्टर्स होते हैं, जो लेबल्स होते हैं, ये जो भी इसका ये इमेज होता है मिल जाते हैं।
आपने इन्हें भी यहाँ से कॉपी करना है। फिर आपके पास में फैन सूट का प्लेटफॉर्म है, आपके पास में gab.com का एक प्लेटफॉर्म है, आप लोगों के पास में गलीव का एक प्लेटफॉर्म है, आप लोगों के पास में फेसबुक का प्लेटफॉर्म है, आप लोगों के पास में टिकटॉक का प्लेटफॉर्म है। टिकटॉक पे मोनेटाइजेशन हुई भी है नहीं हुई भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आप लोग अपने जो लिंक्स हैं यहाँ पर आकर शेयर कर सकते हैं। अब मैं अमेज़ॉन की मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स को किन किन प्लेटफॉर्म्स पर कैसे कैसे जाकर सेल कर रहा हूँ, इस तमाम के ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया है कि एफिलिएट मार्केटिंग में रहते हुए आप खुद की एक ऑनलाइन दुकान कैसे बनाते हैं जहां पे एक रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं है मगर दिमाग लगेगा, मेहनत लगेगी। उसके लिए आप मेरा ये वीडियो देखोगे, आपकी दुकान 24 मिनट का वीडियो है और कम से कम 24 दिन लगा कर ही मैंने इस वीडियो को बनाया है। इस वीडियो को आप लोगों ने देख लेना है और इसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और अगर आपको मेरी इस वीडियो से जो कि आप देख रहे हो कुछ भी फ़ायदा हुआ है तो हमें कमेंट करके लाजमी बताएं, सो दैट हम आप लोगों के लिए ऐसा ही कंटेंट लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ मनाते रहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।